लिमरा डांस में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे, एक नया वीडियो है और बहुत धमाकेदार खबर है। खबर ये है कि ये एक्चुअली बहुत मतलब अच्छी भी खबर है। खबर ये है कि अगला चुनाव जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, ये बैलेट पेपर से होने वाला है। यहाँ पे कहीं ना कहीं शिवसेना ने एक छोटा सा सिग्नल दिया है कि अगला चुनाव बैलेट पेपर में करवाने की बात की है। साथ ही साथ में पहले हम किसान की बात करेंगे। किसान 50,000 पुलिस को उतारा गया किसान को रोकने के लिए, मतलब 50,000 पुलिस किसान को रोकने के लिए, जो हिंदुस्तान का मेन रोल है उन लोग का, किसान लोग का, उन लोग को रोकने के लिए 50,000 पुलिस जरूरत पड़ी। और ऊपर से आपने कील रास्ते में कील ठोक दिया। एक चीज़ तो तय है मोदी जी के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि जो अभी आपने पंगा लिया है किसानों से, किसान को गड्ढा भरने की आदत है और लोग गड्ढे से चढ़ान से डरते नहीं है, क्योंकि वो किसान अपनी ज़मीन को लेवल कर कर करके वो आदत है। वहाँ पे गड्ढे बिछा रहे हो आप, कीले ठोक रहे हो। आज सुना के मतलब कीले में फूल, जो किसान थे उन्होंने उसमें गमेला डाल के फूल उगा दिया, तो मतलब वापिस से वही हुआ। किसान फिर भी मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग अमन की राह में चल रहे हैं, लेकिन मोदी साहब तो मतलब मिलने नहीं आ रहे बोल रहे, लेकिन जब मिलने की कोशिश कर रहे किसान तो फिर रास्ते में कील बिछाई हुई है। तो ये सब कैसा होगा? और दूसरा, गोदी मीडिया तो ये दिखाने की मतलब ये दिखाने में बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है। गोदी मीडिया तो मतलब कहीं ना कहीं खालिस्तानी, कहीं ना कहीं आतंकवादी, कहीं ना कहीं गुंडे मवाली, ये बोलने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो बोले कि मतलब यहाँ पे कोई किसान ही नहीं है, सब आतंकवादी है। उसके बाद में बताया गया कि मुट्ठी भर किसान है। जब किसान ने अपना बल प्रदर्शन दिखाया तो फिर बोलते हैं कि भाई हम बात करने आओ। जब बात करने जाते हैं तो रास्ते पर कील बिछा, रास्ता रोक दिया जाता है। और साथ ही साथ में जो गाजीपुर बॉर्डर पे किले बिछाए थे वो भी मतलब कहीं ना कहीं फेल होते हुए नज़र आया। किसानों ने उसमें फूल उगा दिए, वहाँ पे फूल का बगीचा बना दिया। और यहाँ पे कहीं ना कहीं राकेश टिके, जो किसान जो नेता है, उन्होंने बहुत अच्छा मैसेज दिया है कि मतलब कि आप कुछ भी कर लो, हम लोग मतलब कहीं ना कहीं कहीं भी अहिंसा का साथ नहीं देंगे। कहीं मार पीटी, झगड़े, लफड़े ऐसा कुछ नहीं होगा। जो भी है वो लोग पीसफुल प्रोटेस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट के जरिए वो अपनी बात रखेंगे। आपको पता होगा जो अभी में मतलब मीना हैरिस जो है वो कमला हैरिस की नीस है। उसने एक ट्वीट किया है। वो ट्वीट में उसने एक इनडायरेक्टली एक मैसेज देने की कोशिश की है कि मतलब पहले तो मतलब मोदी को अमेरिका में बैन था, लेकिन अभी तो शायद ऐसा होगा कि अंधभक्त भी अमेरिका नहीं जा पाएंगे ऐसे हरकत की वजह से, क्योंकि उसको बदनाम करने की कोशिश की। और उसने एक इनडायरेक्टली मैसेज दे दिया कि मतलब अभी अंधभक्त भी कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ नज़र उठा के नहीं देख सकते, मतलब अमेरिका के अंदर एंट्री बैन हो जाएगी। और अभी शिवसेना ने महाविकास आघाड़ी ने ये एक सिग्नल बोल सकते हैं या फिर एक फैसले का स्टार्टअप बोल सकते हैं कि मतलब ये लोग ये फैसला कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं बैलेट पेपर से इलेक्शन किया जाए, जो अपकमिंग इलेक्शन है। तो इससे होगा क्या? इससे बहुत अच्छी बात ये होगी कि बीजेपी कभी सरकार नहीं बना पाएगी। उसकी मेन वजह है कि इन लोग के पास है बैलेट पेपर। बैलेट पेपर की वजह से ही ये लोग हर बार सरकार में आने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी ना महाविकास आघाड़ी शिवसेना ने ये तय कर लिया है कि मतलब आगे फ्यूचर में बैलेट पेपर से ही इलेक्शन होगा। तो ये बहुत अच्छा फैसला है, मतलब ये एक्चुअली चाहिए, क्योंकि बीजेपी को रोकना है तो सिर्फ बैलेट पेपर पे हमला कर ही रोक सकते हैं, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं। और इसको देखकर ही बाकी जो राज्य हैं जहाँ पे बीजेपी शासन नहीं है, जहाँ पे बीजेपी हुकूमत नहीं है, वहाँ पे भी ये करने के चांसेस ज़्यादा हैं। और 320A के तहत ये कर सकते हैं बैलेट पेपर। और जो EVM है वो ऑप्शनल होते हैं, अगर सरकार चाहती है, जो एट प्रेजेंट की सरकार चाहती है कि बैलेट पेपर से हो तो बैलेट पेपर से करना पड़ेगा। और महाविकास आघाड़ी कहीं ना कहीं, जो महाविकास आघाड़ी गवर्नमेंट है, वो कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को जिंदा रखने की कोशिश कर रही है। वो बैलेट पेपर मतलब एकदम इंडिपेंडेंट लड़ाई होगी, मतलब क्या बोलते हैं उसको, बैलेंस फाइट होगी। जो इलेक्शन होगा बैलेंस फाइट होगा, तो सब अपने अपने जो सर्विसेज है, जो अपने अपने नियम हैं उसके हिसाब से लड़ेंगे। मतलब कहीं ना कहीं चीटिंग का कोई ये नहीं होगा, क्योंकि हर बार हमको ये लगता है कि मतलब बीजेपी को कैसा रोकें। बीजेपी को रोकने का एक ही ऑप्शन है EVM। अब महाविकास आघाड़ी जो शिवसेना के उद्धव साहब है, उन्होंने ये पहली बार कोशिश किया है कि बैलेट पेपर से इलेक्शन होने की बात की है। अभी जो नेक्स्ट सेशन है, नेक्स्ट बजट सेशन में ये चीज़ को उठाया जाएगा और वहाँ पर इस पर बात की जाएगी और ये कानून बनाया जाएगा।
तो कहीं ना कहीं शिवसेना का भी ये पूरा पूरा प्लान है, एकदम क्लियर कट प्लान है कि कैसे भी बीजेपी को ख़त्म करना है। और बीजेपी को ख़त्म करने के ये पहला एक ऑप्शन है कि जहाँ पे सब में बड़ा ऑप्शन है कि उसके ईवीएम पे ही हाथ रखो, क्योंकि वो ईवीएम से ही चीटिंग कर सकते हैं। बाकी मतलब सरकार की नीयत भी ठीक नहीं है, सरकार के नियम भी ठीक नहीं है। मतलब ये जो छोटे लोग हैं उनको ज़्यादा परेशानी हो रही है, जो उद्योगपति है उनका ज़्यादा फायदा हो रहा है, तो उसकी वजह से इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। देश खतरे में है तो इसको रोकने, अगर ये रुकेगा तो फिर देश को हम वापस से डेवलपमेंट की तरफ लेके जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मैं करीम लिमरा टाइम से शुक्रिया। ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अगले वीडियो का अपडेट